तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 6 Pro के बारे में, जिसकी काफी सारी लीक्स निकल कर सामने आ चुकी है और दोस्तों जिससे कि यह कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन के 730 का पावरफुल प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से। तो दोस्तों Realme 6 Pro में हमें एक ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ, और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें 64 मेगापिक्सल के पेंटा कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो यहां पर आपको इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के सपोर्ट के साथ, और उसके साथ ही दोस्तों फुल व्यू डिस्प्ले होने की वजह से इस स्मार्टफोन में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन के 730 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जैसा कि Redmi K20 में हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, और उसके साथ ही दोस्तों प्रोसेसर को पावर देने के लिए इस स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला 13 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और उसके साथ ही फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की रियर साइड के कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल के पेंटा कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक एडिशनल डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरियंट आपको 14 से 15 हजार रुपए करीबन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला बेस वेरियंट 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और वहीं बात कर ले दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को 2020 के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर करा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ लवली डे।